तो फ्रेंड्स मैं ये बता रही थी कि मेरे हस्बैंड का आज बर्थडे है, तो अभी अभी वो चले गए हैं बाहर, तो मेरे पास एक मौका था उनको सरप्राइज़ देने का। तो देखो वो कहते हैं ना कि जो सांसारिक वस्तुएं हैं मैं कितनी भी दे दूँ ना उनको वो भी कम है, और वो इन सब चीज़ों का उनको मोह भी नहीं है। तो एक शायरी मैं कहना चाहूँगी, तो पहले मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूँगी, आई होप कि आपको पसंद आएगी, मतलब मेरे हस्बैंड को, क्योंकि वो बाद में देखने वाले हैं इसको। आपने ज़िंदगी के हर पड़ाव पर मेरा साथ दिया, अपने हिस्से की खुशी को मेरे नाम कर दिया, जो भी किया आपने सिर्फ मेरे लिए किया, सभी चीज़ों के लिए आपको दिल से शुक्रिया, बेपनाह प्यार करते हो, उससे कभी नहीं लड़ते हो, पता नहीं कैसे थैंक यू करूँ आपको, आप मेरी हर बात मानते हो। लोग कहते हैं कि तोहफे में क्या मिला, लोग कहते हैं कि तोहफे में क्या मिला, मैं क्या दे दूं तुम्हें, मैंने तो तुम्हें अपना जीवन दे दिया। सच में ऐसी ना दुनिया में कोई चीज़ नहीं बनी कि मैं तुम्हें तोहफे में दे सकूं, इसीलिए आई वॉज सो कन्फ्यूज्ड कि मैं तुमको क्या दूं गिफ्ट में। देखो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना सांसारिक वस्तुएं कहते हैं, तो वो तो मैं नीड होने पे अपने आप ले लेती हूँ, तुम भी ले लेते हो, ये सब चीज़ें एक अलग चीज़ है, बस हम दोनों ना एक दूसरे के साथ हमेशा रहें और हमेशा खुश रहें और आपस में ना बड़ा वाला लड़ाई झगड़ा कभी ना हो, तो बस मैं यही तोहफा देने के लिए तुमसे वादा कर सकती हूँ। छोटी मोटी लड़ाई के लिए कभी भी प्रॉमिस नहीं करूँगी, वो तो मैं करती रहती हूँ, करती रहूँगी, तुम भी करते हो, ऐसा नहीं है तुम नहीं करते हो, तुम भी करते हो, ठीक है। तो उन्हें ना मैं साड़ी में बहुत अच्छी लगती हूँ, तो क्या करते हैं कि उनके आने से पहले ना मैं साड़ी पहन लेती हूँ, तो वो खुश हो जाएंगे, तो उनके लिए एक सरप्राइज़ हो जाएगा, बाकी केक वेक कट करेंगे शाम को। तो मेरे साथ ना प्रॉब्लम ये है कि मेरे ज़्यादातर कपड़े, मेरी साड़ी सब घर पे रखे हुए हैं, और उनको रेड कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैंने 2 साड़ियाँ अभी ली भी थी तो वो भी अभी मिली नहीं है, तो अभी मुझे मजबूरी में ना ये बेकार सी साड़ी पहननी पड़ेगी। तो अभी केक कटने का टाइम शुरू हो गया, इतनी गंदी इतनी गंदी पेस्ट्री लाल पीली वो भी लुढ़का दी हाँ तो गई, तुम तो गरीबों से भी बड़े गरीब हो गए, पैसे नहीं देखे तुम्हारे पास, कितने रुपए वाली पेस्ट्री लाए हो, 50 रुपए की एक है, इतनी गंदी, इतने गंदे रंग इसका, जहरी निकाल दो मेरे पास। तो फ्रेंड्स फैमिली के बिना ना कोई फेस्टिवल, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन नहीं होता, तो फिर भी हम एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और मेरे कंजूस पति ना केक की जगह पेस्ट्री लेके आए हैं, तो चलो इनको पेस्ट्री खिलाते हैं और इनका बर्थडे मनाते हैं। लो तुम अपना कलर चूज करो, कौन सा कलर चाहिए तुमको, अरे मुझे खिलाने दो, मैं खिलाऊंगी तुम्हें, मैं रो जाऊं क्या बाल सा सस्ती पेस्ट्री लाओगे तो यही होगा, कंजूस आदमी, चलो तुम थोड़ा सा इसमें से चख लो, अरे मेरे को खिलाने दे पापा को, हैप्पी बर्थडे करने थे, हैप्पी बर्थडे टू यू, जोर से बोलो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हस्बैंड, हैप्पी बर्थडे टू यू, ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ, इनके मुंह पे लगा दिया मैंने, मुझे तो खिला दो, तेरा बर्थडे थोड़ी ना, अरे तो खिलाते हैं, मैं खिलाऊंगा, मजा आएगी खिलाने पिलाने में तो फ्रेंड्स चलते हैं, और वही पुरानी पुरानी साड़ी पहन ली मैंने, चलते हैं बाहर कुछ खाते पीते हैं। तो अभी आ चुके हैं हम डोमिनोज में, अब यहाँ मस्त पिज्जा खाएंगे और एक दो शॉट बनाएंगे, तो यहाँ क्रिस्टी खाएगी अब पिज्जा गप गप करके, फ्रेंड्स आप वहाँ पे देख सकते हैं वो कैसे बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं पिज्जा बना रहे हैं, तो यहाँ आ चुका है हमारा पिज्जा, और देखो दोनों के दोनों क्या लगे हुए हैं इसको, और स्नैक क्या बोलते हैं स्नैक ही बनाने से, यार 200 लाते कम से कम, 500 रुपए में इतना सा। तो फ्रेंड्स कल तो मैंने आपको दिखाई थी कि कितनी तेज बारिश हो रही है, और आपको मैं ना आज का मौसम दिखाती हूँ, इतनी जबरदस्त बारिश हो रही है ना यहाँ पे, देखो अभी आप खुद ही देख लेना, तो शाम के 5 बजे की हालत है, और ऐसी बारिश 2-3 दिन से कंटिन्यू हो रही है,
और अभी भी ना ये हमारी सिटी लखीमपुर खीरी रेड अलर्ट है यहाँ पे कि अभी 2 दिन ऐसी बारिश होने वाली है। और मैं सोच रही हूँ कि अगर ऐसी बारिश होती रही ना तो पूरा शहर पानी में ना डूब जाए, तो बड़ा डर सा लगता है। वैसे भी यहाँ बाढ़ साढ़ आती रहती है और हम तो यहाँ पे फंसे हुए हैं क्योंकि हमको पता नहीं था कि इतनी बारिश होगी या फिर छुट्टियाँ हो जाएगी। तो 2-3 दिन की छुट्टी हुई थी तो हम घर ही निकल जाते, इससे अच्छा होता। लेकिन अब भी क्या कर सकते हैं, हम लोग यहीं फंसे हुए हैं। और इतनी ज़्यादा बारिश है कि बाहर ना कुछ सामान लेने जा सकते हैं, हो सकता है आपको आवाज़ ही सुनाई आ रही हो। तो अभी डेली की ना आपको अपडेट देते रहेंगे कि बारिश का क्या है। तो बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, कुछ भी हो जाए। तो फ्रेंड्स देख लो क्या हो रहा है, ये बारिश का देखो पानी छत से निकलना शुरू हो गया, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। ये देखो पानी कैसे आ रहा है बारिश का नीचे, तो मतलब 2-4 दिन और बारिश पड़ गई ना तो सोच दो आप क्या सिचुएशन हो सकती है। तो फ्रेंड्स अभी ना मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, बूंद गिर गई बारिश की, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और इनका बर्थडे सेलिब्रेशन हो चुका है। तो इस वीडियो को हम यही खत्म करना चाहेंगे। क्या बर्थडे सेलिब्रेशन था भाई, मजा आ गया। अब कंजूस पति का बर्थडे सेलिब्रेशन तो ऐसे ही होता है। तो फ्रेंड्स बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बोल दो। बाय बाय। बंद करो। बाय बाय। अरे बंद करो। क्या कैमरा तेरा मुंह।